आज हम वीकनेस कमजोरी को देखते हुए जिंकोविट सिरप के बारे में बात करेंगे। जिंकोविट सिरप क्या है, इसके कंटेंट, इसके यूजेस, इसके डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। जिंकोविट एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जिसे हम यूज कर हेल्थ से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये सिरप के अलावा ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है और बच्चों के लिए ये ड्रॉप फॉर्म में भी आता है। ये मेरे हाथ में जिंकोविट सिरप है, ये जिंकोविट का ब्रांड दिया गया है। इसमें यहाँ बताया गया ये मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल सिरप है। यहाँ पर ये बताया गया ये हेल्थ सप्लीमेंट सिरप है। ये अपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसकी MRP 118 रुपये है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट सितंबर 2018 है। इसकी एक्सपायरी की बात करें तो इसकी एक्सपायरी 12th मंथ की है, बेस्ट बिफोर 12th मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैन्युफैक्चरिंग से ये 12 महीने के बाद तक इसको यूज कर सकते हैं। मतलब सितंबर 2018 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, तो ये इसकी एक्सपायरी सितंबर 2019 हुई। ये यहाँ पर इसके कंटेंट दिए गए हैं। इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें होता है एनर्जी, टोटल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन B3, एल लाइसिन, जिंक, विटामिन ई, विटामिन B5, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन ए, आयोडीन, कॉपर, सिलेनियम, विटामिन D3 एवं विटामिन B12 होता है। चलिए इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये किसी भी तरह की कमजोरी को दूर कर सकती है। जिन व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है वो इसका यूज कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों के हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है वो इसका यूज कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को चक्कर आते हैं वीकनेस के कारण वो इसका यूज कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो भी इसका यूज कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों में हेयरफॉल की प्रॉब्लम होती है, जिनके बाल झड़ रहे हैं, वो भी इसका यूज कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी होती है वो भी इसका यूज कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को किसी लंबी गंभीर बीमारी के चलते हुए वीकनेस महसूस होने लगती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ये वजन बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, वो भी इसका यूज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो गंभीर बीमारी के कारण भी तो आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए इसके डोजेस के बारे में बात करें तो अडल्ट के लिए 10-10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं और 4 से 9 साल के बच्चों के लिए 2.5-2.5 ml दे सकते हैं और 9 से 14 साल के बच्चों के लिए 5-5 ml दे सकते हैं। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में और बात कर लेते हैं। इसमें वोमिटिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत होने लगती है, सर में दर्द रहने लगता है, किसी किसी को चक्कर आने लगते हैं, कब्ज की शिकायत होने लगती है या पेट फूलने की भी शिकायत होने लगती है। तो इस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। यदि आपको बताए गए इनमें से किसी भी तरह की वीकनेस महसूस होती है तो आप इस जिंकोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस जिंकोविट सिरप को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।